बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अली टाइल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करते हैं तमाम देखने वाले ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है बाथरूम की टाइल के मतलब है कि बाथरूम में टाइल कैसे लगानी चाहिए और कौन सी टाइल है जिसको हम पानी में भिगो कर लगाते हैं और कौन सी टाइल है जिसको आप पानी में भिगो के नहीं लगा सकते, मुकम्मल वीडियो में आपको बताएंगे। और इस बात जो ड्राइंग रूम का ये बात है आपके सामने, हमने पहली दीवार लगाई है, इसका तरीकाकार बताएंगे आपको कैसे टाइल लगाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एक नया डिज़ाइन है मुकम्मल, आपको जब इसकी दीवारें करेंगे तो आपको वीडियो में बताएंगे और ये दिखाएंगे कि कितना प्यारा डिज़ाइन है। तो आपको एक चीज़ और बताते चलें कि हमने जो आप अक्सर दोस्त पूछते हैं कि नीचे वाली टाइल वो क्यों छोड़ी हुई है, वो लेवल के लिए हम पहले नीचे वाली टाइल छोड़ते हैं, लेवल करके बाद का मुकम्मल दीवारें लगा कर फिर नीचे वाली टाइल लगाते हैं, इसलिए हम नीचे वाली टाइल छोड़ देते हैं। अभी इसको शुरू करते हैं, मज़ीद आपको बताते हैं कि किस तरह इसको लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हमने दीवार को पानी लगा कर तार किया है, ये टाइल जो लगाई है तार करके हमने पहले दीवार लगाई, इसको पानी लगा के ये देख सकते हैं इसमें नमी है। तो इस अभी इसको बांध लगाएंगे, बांध लगा कर फिर इसको टाइल लगाएंगे। बांड आपने इस तरीके के साथ लगाना है कि नीचे से कोई जगह खाली ना रहे और बिल्कुल एक जैसा हर टाइल के नीचे बांड आए। पहली टाइल जो है उसको लगाएंगे, इसका जो कट पीस है दरवाजे के पीछे जाएगा, फ्रंट पे ये पहले भी पूरी टाइल लगाई है, इसका कट पीस इसके बैक साइड पे है। टाइल का साइज है वो 25 सेंटी बाय 75 सेंटी, बड़े साइज की टाइल है। बड़ी साइज की जो टाइल है उसको लगाने के लिए आपका प्लास्टर जो है ना वो बिल्कुल में होना चाहिए, उसमें फर्क नहीं आना चाहिए। अभी इसके ऊपर व्हाइट टाइल लगाएंगे, हर टाइल की स्पेस जो है वो हमें साथ साथ देनी है। आप 2 मिनट की स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं 1.5 मिनट की भी। डबल मोटिव इसका लगेगा, ये आप इस तरह जब लगा ले तो हाथ लगा के चेक कर लें कि आपकी टाइल कहीं से उसमें फर्क तो नहीं है। अगर फ़र्क है उसको आप निकाल लें, उसके पीछे बांड अगर लगता है लगा लें, अगर वो बांड ज़्यादा है तो आप बांड निकाल लें। तो आपने जो टाइल लगानी है उसको इस तरह चेक ज़रूर करना है कि कहीं से कोई फ़र्क तो नहीं है। आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कौन सी टाइल तार करके लगाते हैं और कौन सी नहीं। जो इस तरह की ए ग्रेड की टाइल है, टाइम क्वालिटी की, मास्टर की या अच्छी कोई भी कंपनी की, उसको तार नहीं करते। जो ईरानी टाइल है उसको आप तार करके लगाएं क्योंकि उसकी मिट्टी और है और इसकी मिट्टी और है।
फिर एक मॉड्यूल लगाएंगे, मॉड्यूल लगा के फिर उसके ऊपर वाइट टाइल लगाएंगे, तो ये हमारी दीवार मुकम्मल हो जाएगी। अभी इसके कट पीस लगा के फिर इसको ऊपर शुरू करते हैं। दो दीवारें हमारी बिल्कुल मुकम्मल हो गई हैं। अभी तीसरी दीवार को शुरू किया है, सेम जिस तरह दो दीवारें पहले मुकम्मल की, इसी तरीके के साथ उसको मुकम्मल किया, लेवल लगा के तीन तारें लगा दी हैं। अभी इसके जो दो मोटी रहा इनको लगाएंगे। अभी इसके ऊपर बाउंड लगा के फिर वाइट टाइल लगाएंगे। अगर वीडियो अच्छी